Hey guys, this is Technical KD. Guys, आज के वीडियो में हम देखेंगे मैं मेरे वीडियो के साउंड को कैसे रिकॉर्ड करता हूँ और कैसे एडिट करता हूँ, वो पूरी रिकॉर्डिंग की प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। एक्चुअली इस वीडियो को हम तीन पार्ट में कवर करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे मैं रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा माइक यूज करता हूँ, हम उसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे। देन सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैं मेरे साउंड डिवाइस को सेटअप करता हूँ, कैसे सेटअप करके रिकॉर्डिंग करता हूँ, वो सभी हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। और लास्ट के वीडियो में हम देखेंगे कैसे मैं मेरे वीडियो के साउंड को एडिट करता हूँ, एडिटिंग की पूरी प्रोसेस हम थर्ड यानी लास्ट वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मेरे माइक का अनबॉक्सिंग, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जस्ट क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर एंड मेक श्योर हिट द बेल आइकॉन। मेरे वीडियो में जो साउंड होता है और अभी जो आप सुन रहे हैं वो भी इसी माइक से रिकॉर्ड किया हुआ है। सैमसंग गो नाम से ये माइक काफी पॉपुलर है, बड़े बड़े यूट्यूबर के पास यही माइक होता है। ओके, तो बॉक्स के फ्रंट पे मेंशन किया हुआ है स्काइप, फेस टाइम, यूट्यूब, इन जैसे प्लेटफॉर्म के लिए ये माइक परफेक्ट है। एंड बैक साइड पे सेलर की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड है। ऑफकोर्स ये चाइना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस 5800 प्रिंटेड है, बट मैंने इसे 4500 में अमेजोन से लिया था। तो जल्दी से देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें मिली है यूजर मैनुअल। वैसे तो हम माइक से रिलेटेड सभी बातें वीडियो में कवर करेंगे, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आप इसे यूएसए के बाहर कहीं खरीदते हैं तो आपको वारंटी के लिए इसे ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। कार्ड पे आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी और अदर इन्फॉर्मेशन भी इस पे मिल जाएगी। उसके बाद हमें मिलती है एक केबल जिसे आप माइक को पीसी से या ओटीजी थ्रू मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो एक्सेसरीज है वो आपको माइक को किसी स्टैंड पर माउंट करने के लिए यूज होंगी। माउंट आपको अलग से लेना होगा। वैसे तो मैं माउंट यूज नहीं करता, मैं कैसे मेरे साउंड को रिकॉर्ड करता हूँ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और लास्ट में है हमारा मेन प्रोडक्ट। गाइस, इसके साथ जो इसका पाउच है काफी यूजफुल है। डस्टिंग से ये माइक को काफी सेफ रखता है। पाउच पे ऊपर की तरफ सैमसंग की ब्रांडिंग मिलती है। तो ये है हमारा माइक। ज्यादा से ज्यादा 100 के आसपास इसका वेट होगा, तो काफी लाइट वेट माइक है। माइक के साथ ब्लैक पार्ट में इसका स्टैंड है जो माइक को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। माइक के स्टैंड के नीचे के पार्ट पे यहाँ पे चार स्ट्रोक है जिनका सरफेस सॉलिड रबर से बना है, तो जब आप इसे किसी प्लेन जगह पे रखेंगे तो ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा। एंड इसके इस ड्रिल पार्ट की हेल्प से इसे आप किसी भी स्टैंड पर माउंट कर सकते हैं। स्क्रू को आपको ऊपर की तरफ लगाना है एंड नीचे से माउंट के हेड को इंसर्ट करना है, देन स्क्रू को टाइट कर देना है। वैसे तो आप इस स्टैंड को एज अ क्लिप जैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे लैपटॉप पे अटैच कर सकते हैं या फिर टेबल को अटैच कर सकते हैं। माइक को आप पूरे 360 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहे इससे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। माइक के फ्रंट साइड पे सैमसंग की ब्रांडिंग है और नीचे एक लाइट है जो साउंड वेव्स को इंडिकेट करती है। बॉक्स में जो आपको केबल मिली थी उसे आप इस पोर्ट पे लगा सकते हैं एंड दूसरी साइड पीसी में लगा दे। इसी केबल थ्रू माइक को पावर मिलती है। देन ऊपर आपको 3.5 mm जैक में दिया गया है, इसे रिकॉर्डिंग करते हुए तो आप साउंड को सुन भी सकते हैं। एंड इस बटन से माइक के साउंड फ्रीक्वेंसी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप इसे माइक को स्विच करेंगे तब माइक के दोनों साइड पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। बाकी ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।